शुभ संध्या। आज रविवार इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार में मैं अजय आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जिसके कारण कल आपके साथ इंटरेक्शन नहीं हो पाया, लाइव क्लास नहीं हो पाई, तो उसके बदले आज कंपनसिएट कर रहा हूं। संख्या कम है, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जो आपके साथ फ्राइडे को जो इंटरेक्शन था, सबसे पहले तो एम आई ऑडिबल एनीवन, मेरी वॉइस आपको प्रॉपरली मिल रही है? रिप्लाई कर दें आप में से कोई, अगर वॉइस क्लियर ना हो तो मुझे बता दें। मेरी आवाज आप सबको प्रॉपर मिल रही है? प्लीज मुझे हिंट कर दें। ओके 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 संजय। तो फ्राइडे में जो आपके साथ इंटरेक्शन था, उसमें मैंने आपके साथ मैंने फ्लो चार्ट आपको बनवाया था, और फ्लो चार्ट के साथ ही साथ आपको कुछ 299 का इंट्रोडक्शन भी मैंने बताया था कि बेसिकली मैंने 299 स्टार्ट नहीं किया था, सिर्फ इंट्रोडक्शन ही चल रहा था। और ये वो पार्ट है जिसमें अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं, ये बात मैंने आपसे पहले भी कही कि अक्सर इसमें हम कंफ्यूज होते हैं कि जो हमारा है वो कल्पेबल होमोसाइड है या मर्डर है या ग्रेवियस हर्ट है, ठीक है। इस तरह की प्रॉब्लम हमें अक्सर होती रहती है, और जब भी कभी आप एज अ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अपनी पोस्ट को होल्ड करेंगे तब, या जब आप कोई क्रिमिनल सूट जब आप प्रैक्टिस में होंगे तब, उन दोनों कंडीशंस पे ये एक ऐसी चीज है जो आपको कभी कभी कंफ्यूज करती है। तो कोशिश यही थी कि आपको डिटेल में पढ़ाऊं, कल थोड़ी दिक्कत थी, आज उसे कंपनसिएट कर रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं, आई थिंक 24 का नंबर हो गया है, चले स्टार्ट करते हैं। मैंने जो आपके साथ लास्ट टाइम में जो डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको अगर याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि हमें किसी भी ऐसे मुकदमे में या ऐसी प्रॉब्लम में या ऐसे मामले में हमें सिर्फ तीन चीजें देखनी होती हैं, ठीक है। सबसे तीन बातें हमें ध्यान रखनी होती हैं। पहली बात जो है वो ये है कि जो हमारा आपराधिक मानव वध है उसमें ये तीन बातें अगर वो हैं तो वो आपराधिक मानव वध है, क्रिमिनल कल्पेबल होमोसाइट है, ठीक है। और अगर ये तीन बातें नहीं हैं तो वो फिर कल्पेबल होमोसाइट नहीं होगा, या तो वो हर्ट होगा या ग्रेवियस हर्ट होगा या अलग अलग चीजें होंगी। तो वो तीन चीजें जो हैं, उनमें सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि जो काम किया गया है, जो वर्क डन है, वो मृत्यु करने के आशय से, विथ द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, सबसे पहली चीज ये है। अगर इंटेंशन है डेथ कॉज करने का तो ठीक है, अदरवाइज फिर वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा। फिर दूसरी चीज मैंने आपसे बताई थी कि जो कार्य किया जा रहा है वो इस ज्ञान के साथ किया जा रहा है कि इस कार्य का, जो कार्य कर रहा हूं, इस कार्य का परिणाम जो होगा वो मृत्यु होगा, ठीक है। पहली चीज आशय, ठीक है, दूसरी चीज ज्ञान, और तीसरी जो है वो ऐसा आशय होना चाहिए कि इस कार्य से मृत्यु होने की गुंजाइश है, ठीक है। तो ये तीन चीजें अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका मैटर जो है वो क्लियर होगा। उसी समय अगर आपको याद हो, फ्राइडे की क्लास में मैंने चतुर सिंह का नाम लिया था, आपसे कहा था कि हाँ ये तीन चीजें अगर हैं तो चतुर सिंह का दिमाग में केस रखिए, अगर आ रहा है तो ठीक है और नहीं आ रहा है तो बाहर हो जाता है। चलिए, आज ये तो उस दिन की बात थी, आज जो हम आपके साथ स्टार्ट करते हैं सेक्शन 299, ठीक है। आज बेसिकली जो है सेक्शन 299 आपका स्टार्ट हो रहा है। सेक्शन 299 अगर आप बेयर लेके बैठे होंगे, बेयर आपके सामने होगा तो बेयर में, अदरवाइज पॉसिबल हो तो बेयर उठा के देख ले। जो सेक्शन है वो सेक्शन ये कहता है कि जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से, अगर आपके पास बेयर हो तो अंडरलाइन कर लें इतना पार्ट, जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से,
इसके बाद आप देखेंगे तो वहां कॉमा लगा हुआ है, मतलब दैट मीन्स आपको पॉज होना है। फिर दूसरा पार्ट इसका, सेक्शन एक ही है लेकिन पार्ट हम पढ़ने की सुविधा के हिसाब से बदल देते हैं। दूसरा पार्ट जो है वो ये कहता है कि ऐसी शारीरिक क्षति करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य हो जाए, ठीक। और तीसरा, या यह ज्ञान रखते हुए कि यह संभव है कि उस कार्य से मृत्यु कारित कर देगा, कोई कार्य करके मृत्यु कारित करता है तो वह आपराधिक मानववध का अपराध करता है। ये पूरा सेक्शन है, आप बेयर रखे होंगे सामने, तो बेयर आपको, बेयर प्रोविजन आपको सामने दिख जाएगा। तो इसमें जो पढ़ने की सुविधा के हिसाब से इसका पहला कॉमा जहां लगता है, ठीक, एक पार्ट वो हो जाता है, दूसरा पार्ट जो है वो आशय की बात करता है और तीसरा पार्ट जो है वो ज्ञान की बात करता है। तो अब इसके एक एक हिस्से को हम पकड़ के चलते हैं और इसको समझते हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो कोई, जो वर्ड आता है जो कोई, अब जो कोई से यहाँ क्या मतलब है। हालांकि आईपीसी के ज्यादातर सेक्शन इसी जो कोई से ही स्टार्ट होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ जो कोई से जो मतलब है, कभी आपने शायद गौर ना किया हो, जो कोई का मतलब ये है ईच एंड एवरी पर्सन, ठीक है, ईच एंड एवरी पर्सन, बट जस्ट ओनली नेचुरल पर्सन, नॉट आर्टिफिशियल, ठीक है, नेचुरल पर्सन की यहां बात हो रही है। और वो नेचुरल पर्सन कोई भी हो सकता है, नेचुरल पर्सन चाहे वो इंडिया का सिटीजन हो या ना हो, उसके लिए भी ये बात लागू होती है। ये बात उसके लिए भी लागू होती है जो कोई विदेशी जो है वो भारत आता है, और भारत आने पर क्या है वो विथ परमिट आता है, ठीक है, उसको पासपोर्ट मिलता है, और पासपोर्ट जो है वो अपने आप में ये गारंटी है कि जब आप भारत में आ रहे हैं तो भारत में जो भी विधियां हैं आप उन विधियों का पालन करेंगे और उन विधियों के अंतर्गत आपको सुरक्षा दी जाएगी। ये एक अंडरस्टूड होता है, ये प्रिजम्पशन मानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ जो कोई से मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, लेकिन वो व्यक्ति जो है वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, ना कि आर्टिफिशियल। इसके बाद जो इसका दूसरा हिस्सा हमें, दूसरा शब्द जो मिलता है वो मिलता है मृत्यु कारित करता है, ठीक है। मृत्यु कारित करने का मतलब देखिए, जैसे ही मृत्यु कारित करने की बात आती है तो मैंने आपको बोला था सेक्शन 46 आप उठा के देख लीजिएगा, सेक्शन 46 जो है वो मृत्यु की बात करता है, ठीक है। और वहां पर सेक्शन 46 जब आप उठा के देखेंगे तो वहां स्पेशली मेंशन है सेक्शन 46 में कि मृत्यु शब्द का अर्थ है मानव मृत्यु से, ठीक है। अक्सर आपसे पूछा जा सकता है, कभी कभी ऐसा इंटरव्यू में भी कभी कभी परेशान करने वाले सवाल हो जाते हैं, या ऐसे आप जर्नली बातचीत कर रहे हैं उसमें आपसे बातचीत हो जाती है कि हाँ आईपीसी जो है वो जानवरों के ऊपर क्यों नहीं लागू हो जाती, या जानवर का अगर हम किसी पशु का हत्या कर दें तो उसके ऊपर जो है वो लागू होगा कि नहीं लागू होगा, ठीक है। तो पशु जो है उसके ऊपर लागू होगा कि नहीं होगा, उसके लिए भी ये बात लागू होती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि मृत्यु कारित करने का मतलब यहाँ सेक्शन 46 से है, और सेक्शन 46 में साफ तौर से ये बात कही गई है। क्या कही गई है सेक्शन 46 में? मृत्यु से मानव मृत्यु का अभिप्राय है, सेक्शन 46 साफ कहता है। तो जानवरों के लिए या किसी और की मृत्यु के लिए नहीं, मृत्यु का मतलब सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग की डेथ से मतलब है। अब इसी डिस्कस को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। एक मां के गर्भ में पल रही संतान, ठीक है, तो अगर वो संतान मां के गर्भ में है तो अभी वो मां का हिस्सा है, उसकी स्वतंत्र आइडेंटिटी नहीं हुई है, ठीक है। अगर वो मां के गर्भ में है तो अभी वो मां का हिस्सा है, ठीक, और अगर हम उसे मारने की कोशिश करते हैं तो वो सेक्शन 312 और 15 में वो भ्रूण हत्या में कंसीडर होगा, ठीक है, 312 में वो भ्रूण हत्या के लिए कंसीडर होगा, लेकिन मानव के अंतर्गत भ्रूण जो है वो नहीं आता है। इसी तरह से अगर किसी शिशु का कोई हिस्सा मां के गर्भ से बाहर आ गया है, भले उसने सांस ली है या नहीं ली है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि
उसका कोई हिस्सा शरीर से बाहर आ गया है तो ये मान लिया जाएगा कि अब वो माँ के गर्भ से अलग हो चुका है और अब उसकी एक स्वतंत्र पहचान हो रही है। ठीक है, जब आप स्पष्टीकरण 3 पढ़ेंगे इसी 299 का तो उसमें ये चीज है, अभी आगे और डिटेल करते हैं। तो यहां मानव का जो हम डिटेलिंग कर रहे हैं तो भ्रूण जो होगा वो मानव की कैटेगरी में नहीं आएगा जब तक कि वो विकसित होकर मानव का आकार ना प्राप्त कर ले और अपनी माँ के गर्भ से बाहर ना आ जाए। ठीक है, अब इंडियन लॉ में और इंग्लिश लॉ में यहीं पे एक थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, इंग्लिश लॉ में वो भ्रूण आकार लेके माँ के गर्भ से पूरी तरह से जब तक बाहर नहीं आता तब तक उसे अलग स्वतंत्र मानव की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। बात को ध्यान से समझिएगा, इंग्लिश विधि में, इंग्लिश लॉ में ये अंतर है कि वो पूरी तरह से माँ के गर्भ से बाहर आ जाए, लेकिन भारतीय विधि में जो अंतर है वो ये है कि अगर उसका हाथ या उसका पांव या उसका कोई भी शरीर का हिस्सा भी बाहर आ गया, भले उसने अभी तक सांस तक नहीं ली है, ठीक है, तो भी ये सेपरेट मानव आइडेंटिटी हो जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा अंतर ध्यान रखिएगा। अब जब और डिटेल में जाते हैं तो यहां एक शब्द हमें मिलता है बेयर में, आप उठा के देखिएगा, किसी मानव की एक शब्द मिलता है, किसी मानव की हत्या। तो एक बात ये ध्यान रखने की है कि सेक्शन में जो आशय है, जिसको मारने का हमें आशय है, उस व्यक्ति की हत्या से मतलब नहीं है। ठीक है, आशयित मानव की हत्या से मतलब नहीं है, किसी भी मानव की हत्या हो रही हो तो भी धारा 299 लागू होगी। कैसे, एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण यह है कि ए ने बी को मारने के लिए बंदूक तानी, ठीक है, या बंदूक तो सीधे सीधे मर्डर हो जाएगा। ए ने बी को मारने के लिए भोज्य पदार्थ में, भोजन में थोड़ा जहर मिला के दे दिया। ठीक है, भोजन बी ने ना खाकर सी ने खा लिया। ठीक, तो हमारा आशय जो था, हमारा इंटेंशन था, वो बी को मारने का था, ना कि सी को मारने का। लेकिन फिर भी अगर सी की मृत्यु हो जाती है तो ये मानव वध होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब सिर्फ ये, किसी भी मानव की मृत्यु होनी चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं कि जिसको हम इंटेंशन ले रहे हैं, हम ए को मारने का इंटेंशन ले रहे हैं तो ए ही मरे, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी हो जाए। ठीक है, तो वो भी इसके अंतर्गत कंसीडर होगा। ठीक है, इसी पे एक केस है, मुझे उस केस का नाम थोड़ा सा स्किप हो रहा है। उसमें क्या है कि एक महिला थी, ठीक है, वो महिला जो है उनके एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर थे। ठीक, अब वो अपने पति को मारना चाहती थी तो उन्होंने मिठाई में अपने पति को जहर मिला के अपने पति को दिया मिठाई, और वो मिठाई पति ने ना खा के, उनके साथ एक दो लोग आए थे, उन्होंने उनको दे दिया, तो उसमें से दो लोग जो हैं वो गंभीर बीमार हो गए और एक की मृत्यु हो गई, पति की डेथ नहीं हुई। ठीक, तो इस कंडीशन में भी जो इंटेंशन जिसको हम मारने का रख रहे थे उसकी मृत्यु नहीं हुई, बाकी लोग हुए, तो ये माना जाएगा कि हाँ ये मानव का वध हुआ है। अब अगला शब्द जो हमें मिलता है वो है कोई कार्य करके। बेयर आपके सामने होगा तो इन वर्ड को आप अंडरलाइन करते चलिएगा, जब आप मेंस में आंसर लिखेंगे तो आपको इन्हीं सारे शब्दों को डिस्क्राइब करना होगा। तो कोई कार्य करके, अब यहां कार्य से मतलब दोनों से है, लोप से भी है, ओमिशन और वर्क से भी है। ठीक है, एक्ट और ओमिशन दोनों चीज यहां कंसीडर होगी, लेकिन अब थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है। तो ओमिशन जो है वो आपके सेक्शन 43 में दिया हुआ है, देख लीजिएगा पलट के, इसकी डेफिनेशन एक बार देख लीजिएगा। अब इसमें जो अंतर है वो ये है
कि सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि कार्य या लोप, एक्ट या ओमिशन, दोनों ऐसा होना चाहिए जिसका परिणाम नियर बाई हो, ना कि बहुत डिस्टेंस का हो। ठीक, मान लीजिए मैंने ए को लाठी से मार दिया, ठीक है, मैंने ए को एक लाठी का प्रहार किया। अब उस लाठी के प्रहार को दिखाने के लिए, अगले दिन वो दिखाने के लिए वो अपनी मोटरसाइकिल से डॉक्टर के यहाँ जा रहा था। ठीक, डॉक्टर के यहाँ जा रहा था, एक उसकी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट होने के बाद उसका पैर टूट गया उसी एक्सीडेंट में, ठीक है। अब एम्बुलेंस आई और एम्बुलेंस जो है वो उसको लाद के एम्बुलेंस हॉस्पिटल ले जाने लगी। रास्ते में ट्रैफिक पे एक पेड़ की डाल गिर गई उस एम्बुलेंस पे, जिसके कारण एक ही मृत्यु हो गई। तो अब जरा सवाल ये उठता है, अब सवाल जो है वो ये उठता है कि क्या पेड़ का गिरना उस एम्बुलेंस पर, ठीक है, और मेरा उस व्यक्ति को लाठी मारना, इन दोनों का कोई कनेक्शन है? और क्या पेड़ के गिरने से जो एक ही मृत्यु हुई, तो उस मृत्यु का मैं कहीं से जिम्मेदार हूं? क्या मैं मानव वध के लिए दोषी होऊंगा? सवाल जो हमारे सामने है वो ये है। तो देखिए, इसीलिए कोई कार्य करके वर्ड जो मैंने उठाया है वो इसीलिए उठाया है कि ये जो कार्य है, उस कार्य और जो परिणाम आ रहा है मृत्यु का, उनमें निकटता होनी चाहिए, दूरवर्ती कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपने टॉर्च में पढ़ा होगा रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस, ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट रिमोटनेस जो है वो यहां पे भी लागू होता है। यहां पे ये लागू होता है कि जो घटना हो रही है, जो काम हो रहा है, जो ओमिशन हो रहा है, उसका उस मृत्यु से सीधा डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए, इनडायरेक्ट कनेक्शन जो है वो कंसीडर नहीं होगा। ओके, एक उदाहरण लेके हम समझ लेते हैं। ए जो है, ए नाम का एक व्यक्ति मेरा मित्र है, उसको मारने के इरादे से, मेरा आशय है, मेरा इंटेंशन है, साफ साफ मैं कह रहा हूं, मेरा इंटेंशन है ए को मृत्यु कारित करने के आशय से मैं उसे कोविड के कॉन्टेनमेंट जोन में लेके गया, और ये सोच के लेके गया कि उस जगह से मैं लेके गुजरूंगा तो इसे कोविड हो जाएगा, कोविड होने के बाद कोविड में इसकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। ये इरादा लेके मैं उसको लेके गया और कॉन्टेनमेंट जोन जो था वहां पे मैं काफी देर तक उसको लेके मैं घूमा। घूमने के बाद दो दिन बाद मुझे पता चला कि सचमुच में ए को कोविड हो गया और वो हॉस्पिटल में है। 5 दिन के बाद मुझे ये जानकारी हुई कि वो निपट लिया। तो क्या मैंने आपराधिक मानव वध या हत्या या कौन सा अपराध मैंने किया है? आपके रिप्लाई चाहिए। आई नीड योर रिप्लाई। एनीवन, कोई तो रिप्लाई करो। सौरभ जी 299, और कोई? मैं प्रॉब्लम को फिर से रिपीट कर रहा हूं। मैं अपने एक मित्र को मारने के आशय से कंटेनमेंट जोन में उसको लेके गया, वहां घुमाया, और घुमाने के बाद मुझे पता चला कि 2 दिन बाद पता चला उसे कोविड हो गया, और कोविड होने के बाद 5 दिन बाद वो हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई। मैंने कौन सा अपराध किया? यस प्लीज, यस यस यस, शाबाश अनुजों, छोटे भाई बहनों, मित्रों, साथियों, अभी अभी मैंने इसी चीज की बात की है।
रिमोटनेस है ये, अत्यधिक दूरवर्ती है ये, कोई लायबिलिटी नहीं होगी। मैं भी उनके साथ घूम रहा था ना, मुझे कोविड नहीं हुआ, उनको कोविड हो गया, ठीक है। अब मारने का आशय मेरा था, ठीक है। अब जितना संकट उनको था उतना संकट तो मेरे लिए भी था। ये आशय मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, लेकिन आशय तो कभी निकल पाता नहीं है। जो मेरा क्या आशय है, मैं किस आशय से आपको पढ़ा रहा हूं वो क्या पता। तो यहां रिमोटनेस है, वहां लेके घूमना, 2 दिन बाद कोविड में इन्फेक्शन हो जाना, पता नहीं कहीं और से कोविड का इन्फेक्शन हो गया हो, ठीक है। तो रिमोटनेस नहीं होनी चाहिए, दूरवर्तीता नहीं होनी चाहिए, नियर बाय कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बट जी, डेथ कॉज हुई ड्यू टू कोविड हुई, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है, कहां से ये बात आप साबित करेंगे कि जो मैं कंटेनमेंट जोन में लेके गया था तभी उनको कोविड का इन्फेक्शन हुआ। कोविड का इन्फेक्शन तो कहीं और से भी हो सकता है। देखिए, मैं फिर से इस प्रॉब्लम को, देखिए ये प्रॉब्लम जो है वो आरसी निगम की बुक में इलस्ट्रेशन में दे रखी है, उदाहरण दे रखा है। एक व्यक्ति ए बी को चेचक की महामारी में, ठीक, चेचक की महामारी में लेके उस क्षेत्र में घूमने गया जहां पर चेचक की महामारी पहले से फैली हुई थी। ए चाहता था कि बी को चेचक हो जाए जिससे उसकी मृत्यु हो जाए। दोनों उस क्षेत्र में गए और वास्तव में बी को चेचक हो गया और चेचक होने के 15 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। सवाल यही था कि क्या ए चेचक से मृत्यु की के लिए बी की जो मृत्यु हुई उसके लिए लाइबिल होगा, दाई होगा। इसका जवाब है लाइबिल नहीं होगा, क्योंकि जितना बी उस एरिया में था उतना तो ए भी उस एरिया में था ना। उसे चेचक नहीं हुआ, उसको मृत्यु नहीं हुई, ठीक है जी। स्मॉल पॉक्स, ओके। तो इस बात के लिए सबसे पहले यह दिमाग में रखिए कि जो कार्य कारित किया गया है उसका घटना के साथ निकटवर्ती संबंध होना चाहिए, दूरवर्ती संबंध नहीं होना चाहिए। अभी मैंने वही कहा ना, मैंने ए को लाठी मारा, आज तो कोई दिक्कत नहीं हुई, कल उसको लगा कि हाँ मेरी हड्डियों में पसलियों में बहुत दर्द है, वो डॉक्टर को दिखाने के लिए मोटरसाइकिल से गया, मोटरसाइकिल वाले से एक्सीडेंट हो गया, एम्बुलेंस आई उसको ले जाने के लिए, एम्बुलेंस जो है वो उसके ऊपर पेड़ गिर गया, पेड़ गिरने से वो निपट गया। तो कॉज तो मैं बना ना मैंने लाठी मारी होती ना मोटरसाइकिल से डॉक्टर के यहाँ जाता, ना वहां एक्सीडेंट होता और ना ही एम्बुलेंस में वो बैठता और ना पेड़ गिरता, ठीक है। तो कॉज तो मैं हूं ना, लेकिन इतना दूर का रिलेशन यानी रिमोटनेस जो है वो कंसीडर नहीं होती। रमेश जी, आप इस बारे में, अगर आप ग्रुप में हो तो आप इस बारे में मुझसे और डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको समझाऊंगा। बस यहां जो समझाने का, बताने का तरीका, जो उद्देश्य था वो ये था कि रिमोटनेस नहीं होनी चाहिए, निकटवर्ती जो एक्ट या ओमिशन है उसमें और घटना में, मृत्यु में निकटवर्ती संबंध होना चाहिए, दूरस्थ संबंध जो है वो कंसीडर नहीं होते हैं। इज इट ओके? क्वेश्चन आंसर जो भी होगा वो हम लास्ट के 5 या 10 मिनट में करेंगे। आप अपने क्वेश्चन को अपने कॉपी पेज पर नोट कर लें, मैं हर क्लास में ये बात बताता हूं और 10 मिनट का समय भी आपके साथ लेता हूं। देखिए, कभी कभी जो मृत्यु होती है वो तथ्य और परिस्थितियों पर डिपेंड करती है। मानव वध जो होता है वो तथ्य और परिस्थितियों पर होता है कि क्या तथ्य और क्या परिस्थिति है जिसमें कि मानव की मृत्यु हुई है या मानव वध हुआ है।
एक उदाहरण ले लीजिए, एक इलस्ट्रेशन है। एक पति अपनी पत्नी को उसकी किसी हरकत पर, ठीक है, पीटने के लिए, मारने के लिए तेजी से चिल्लाया और चिल्ला के उसकी तरफ बढ़ा। एक पति अपनी पत्नी को उसकी किसी हरकत पे, किसी काम पे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ा और तेजी से चिल्लाया भी। और इस घटना में पत्नी जो है वो पहली मंजिल के बारजे की खिड़की से कूद गई नीचे, ठीक है, और कूदने से उसकी मृत्यु कारित हो गई। ठीक, अब क्या यहां क्या कहेंगे आप, 299 में यहां लगाएंगे, क्योंकि मृत्यु तो हुई है, ठीक है, उस महिला की हुई है, और कार्य जो था, एक्ट जो था वो ऐसा था, वो पति का था, तो यहां क्या कहेंगे, 299 आप पनिश करेंगे। देखिए, इसका आंसर जो होगा वो ये है कि अगर मृत्यु जो हुई है उसमें पिटाई और गिरने से चोट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी इन दोनों का संयोग है, मिलन है, जिसके कारण मृत्यु हुई है, यानी 50% चोटें जो मार पिटाई की थी वो, और 50% चोटें जो गिरने के कारण, अगर ये दोनों 50-50% मिला के 100% कर दे रही हैं, तब तो पति लायबल होगा, दाई होगा इस मानव वध के लिए। लेकिन अगर पत्नी थोड़ा उग्र स्वभाव की है, गुस्सैल है, और अपने आप को पिटाई से बचाने के लिए, ठीक है, अपने आप को पिटाई से बचाने के लिए चिल्लाया हस्बैंड, उसने डंडा भी उठा लिया कि अभी आज मैं तुमको सबक सिखाता हूं, इतना बोलते ही पत्नी अगर खिड़की से बाहर कूद गई, तो इस कार्य के लिए पति लायबल नहीं होगा। ठीक है जी, नहीं, पति लायबल नहीं होगा यदि मृत्यु में चोटें और गिरने से, छत से कूदने, दोनों की चोटों का कॉम्बिनेशन है। ध्यान से मेरी बात को सुनिए, अगर उसकी बॉडी पे मारपीट के निशान मिलते हैं और साथ ही साथ ऊपर से कूदने की चोटों के निशान मिलते हैं, तो हस्बैंड लायबल होगा, क्योंकि उसने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी जिसके कारण उसे अपने आप को बचाने के लिए कूदना ही कूदना एकमात्र रास्ता बचा। उस कंडीशन में पति जो है वो लायबल होगा। लेकिन अगर पत्नी के शरीर पे कोई चोटों के निशान नहीं है, कोई ऐसी स्थिति नहीं है, और पत्नी केवल और केवल अपनी उग्रता से, अपने क्रोध, अपने आवेग में आकर वो खिड़की से कूद गई जिससे उसकी मृत्यु हो गई, तो यहां पति जो है वो 299 में लायबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये फैक्ट और परिस्थितियां, ये इस पे डिपेंड होता है। ठीक है, आई थिंक अभी ये क्लियर होगा आप सबको। एक और इलस्ट्रेशन ले लीजिए, उदाहरण और ले लीजिए। एक व्यक्ति जो है वो घोड़े पे बैठा हुआ है, ए घोड़े पे बैठा हुआ है, और बी उसी के बगल में, जस्ट पास में ही, हाथ में एक डंडा लिया हुआ है, ठीक है, और उसने डंडे से अपने क्वेश्चन, जो भी आप, जो भी है जिस टॉपिक पे आप लिख के रखिए, मैं 10 मिनट में आपसे सिर्फ यही बात करूंगा। ठीक है, दूसरा उदाहरण मैं आपके साथ बता रहा हूं। ए जो है वो एक घोड़े पर बैठा हुआ है, बी उसके बगल में ही खड़ा है, ठीक है, और उसके हाथ में एक डंडा है। उसने डंडे से ए के ऊपर एक प्रहार किया, ठीक है, दूसरा प्रहार करने के लिए, चूंकि घोड़ा चल रहा है और वो भी उसके बगल में दौड़ रहा है, ए घोड़े पे बैठा है और घोड़े से चल रहा है, और बी भी उसके बगल में दौड़ने लगा और दूसरा डंडा मारने का प्रयास किया, ठीक है, इस दूसरे डंडे से बचने के लिए, उसके प्रहार से बचने के लिए, ए जो घोड़े पे बैठा हुआ है उसने घोड़े की लगाम को खींच दिया, एड़ लगा दी, ठीक,
डंडे के प्रहार से तो बच गया, लेकिन घोड़ा इस हरकत पे लगाम खींचने के कारण भड़क गया, और भड़कने पर ए जो है वो घोड़े से गिर गया, और गिरने के कारण उसकी मृत्यु कारित हो गई। बताइए कौन सा अपराध हुआ? यस प्लीज, आई नीड योर आंसर्स। प्रॉब्लम में फिर से बोलूं, ए एक घोड़े पर बैठा हुआ है, ठीक है, और बी उसके बगल में है। एक डंडा मारा, ठीक, और घोड़ा चल रहा है, वो भी उसके साथ में है, और दूसरा डंडा फिर वो मारने की कोशिश किया, और जो बी घोड़े पे था वो बचने के प्रयास में उसने घोड़े की लगाम खींच दी। जब घोड़े की लगाम खींच दी तो क्या हुआ, घोड़ा जो है वो बिदक गया, और बिदकने के कारण ए जो घोड़े पे बैठा हुआ था वो गिर गया, जिससे उसकी चोट लगी और मृत्यु कारित हो गई। बी ने कौन सा अपराध किया? जिनका आंसर है कि कोई नो ऑफेंस, वो फिर से वीडियो देखें। मैं यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, परिस्थिति, ठीक है, जो परिस्थिति बनी, एक बार हमला हो चुका है, ठीक है, एक बार हमला हो चुका है और दूसरी बार वो हमला हो रहा है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि वो खिड़की से कूदने वाला और ये दोनों उदाहरण सिमिलर है, दोनों उदाहरण सिमिलर नहीं है, इसी बारीकी को आपको पकड़ना है, ठीक है। पहले उदाहरण में, खिड़की से कूदने वाले उदाहरण में क्या था, अभी उसने मारा नहीं था, सिर्फ आवेश में, पति ने मारा नहीं था, सिर्फ आवेश में डंडा उठाया कि आज तुम्हें सबक सिखाता हूं, और पत्नी जो है वो कूद गई। अगर पति ने उसकी पिटाई कर दी होती, अच्छे से पीट दिया होता, और पीटने के बाद वो अगर खिड़की से कूदती और तब उसकी मृत्यु होती, तब उस समय 299 अप्लाई हो जाता, ठीक है, उस समय 299 अप्लाई हो जाता, क्योंकि मैंने क्या कहा, स्त्री के शरीर पे चोटें और जो गिरी है उसकी चोटें, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो मृत्यु का कारण बना, ठीक है। फिर इस परिस्थिति में क्या है, घोड़े वाली परिस्थिति में क्या है, घोड़े वाली परिस्थिति में ये इश्यू है कि एक बार प्रहार हो चुका है और दोबारा फिर से प्रहार हो रहा है, उस प्रहार से बचने के लिए, ठीक है, जो उसने घोड़े की लगाम खींची या उसका एड़ लगाई या जो भी कुछ हुआ और घोड़ा बिदक गया, तो यहां उस कार्य का परिणाम है ये, और कार्य के परिणाम होने के कारण जो परिस्थिति बनी, उस परिस्थिति के लिए जो डंडा मार रहा है वो लाइबिल होगा, वो 299 में कल्पेबल होमसाइट के लिए दोषी माना जाएगा। जी अभी बताएं, बट इंटेंशन, देखिए इंटेंशन मैंने आपको शुरू में बताया था, जब मैंने आपसे कल भी बात की थी और आज भी मैंने कहा, आपको तीन चीजें मैंने बताई हैं, तीन में से अगर कोई एक कंसीडर हो रही है, ठीक है, तीन में से कोई एक भी है और ऑफ किया गया कार्य चैप्टर 4 में नहीं आता, ठीक है, तो ये 299 के लिए सफिशियंट होगा। अभी एसेंशियल पे भी आते हैं, अभी तो स्टार्ट किया है, आधे घंटे हुए हैं 299 को किए हुए, ठीक है। तो यहां पर जो डंडा मार रहा है वो मर्डर के लिए नहीं, लेकिन हाँ 299 के लिए लाइबल होगा। देखिए ओमिशन जो होता है, ओमिशन, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ओमिशन जो है वो हल्का फुल्का अगर ओमिशन है तो हल्के फुल्के ओमिशन को 299 में कंसीडर नहीं किया जाता है। हालांकि तथ्य और परिस्थिति पर निर्भर करता है, लेकिन अधिकांश मामलों में ओमिशन अगर हल्का फुल्का है तो ये 299 के लिए
स्थिति नहीं क्रिएट करता। ओमिशन जो है वो बहुत ही ग्रेविटी वाला होना चाहिए, ठीक है। कैसे? एक व्यक्ति जो है वो बीमार है, ठीक है। अब अगर बीमारी में सिर्फ ये एक्सक्यूज दिया जाए कि सिर्फ एक दिन एक डोज दवा देना हम भूल गए, ठीक है, ओमिशन हम कर रहे हैं, एक दिन एक डोज दवा लेना देना हम भूल गए उस बीमार व्यक्ति को, तो ये जो ओमिशन है ये बड़ा छोटा होगा। हाँ, उसको हम डॉक्टर के यहाँ ले ही नहीं जाएं, उसको एक भी दिन दवा ना खिलाएं, तो ये क्या है, उस एक दिन की दवा को मिस करने के कंपेयर में बहुत बड़ा है। तो 299 के लिए ओमिशन की जो कैटेगरी होनी चाहिए उसका अमाउंट ज्यादा होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अब एक केस है, अगर आपके पास कॉपी पेन हो तो नोट कर लें, आर वर्सेस बाई जीवा, बाई जीवा, ठीक है, आर वर्सेस बाई जीवा, AIR 1917, बॉम्बे 259। रिपीट कर रहा हूं, आर वर्सेस बाई जीवा, AIR 1917, बॉम्बे 259। और एक और केस है, वो भी नोट कर लें आप, आर वर्सेस कल्याणी, AIR आर वर्सेस कल्याणी, ये मद्रास हाई कोर्ट का ये डिसीजन है, ठीक है, तो ये दोनों केसेस जो हैं, आर वर्सेस कल्याणी और आर वर्सेस बाई जीवा, इन दोनों केस के फैक्ट जो हैं वो कुछ ऐसे हैं कि एक महिला जो है वो पुरुष के टेस्टिस, आई थिंक यू ऑल ऑफ अंडरस्टैंड व्हाट इज टेस्टिस, ठीक है, तो एक महिला जो है वो टेस्टिस को पकड़ लेती है एक पुरुष के और उसे इतनी कस के दबाती है कि अत्यधिक तीव्र नर्वस सिस्टम में वेदना होती है, शॉक होता है, और उसके कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। रिपीट कर रहा हूं, एक महिला जो है वो एक पुरुष के टेस्टिस को इतनी कस के पकड़ के मींजती है और उसे खींच देती है जिससे कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अगर मृत्यु का कोई और कारण नहीं है, सिर्फ उस टेस्टिस को मींजना और खींचना जिससे कि नर्वस सिस्टम में अत्यधिक आवेग और पीड़ा होती है, उस कारण अगर मृत्यु हो गई है, तो यहां वह महिला जो है वो धारा 299 के अंतर्गत आपराधिक मानववध की दोषी होगी। लेकिन जो दूसरा वाला केस मैंने आपको लिखाया है, आर वर्सेस बाई जीवा वाला, पहला जो है ये अभी जो मैंने बताया है वो आर वर्सेस कल्याणी का डिसीजन है, ठीक है, और आर वर्सेस बाई जीवा में ये कहा गया कि अगर सेम फैक्ट यहां भी थे, टेस्टिस को पकड़ के बहुत कस के दबाया गया, ठीक है, तो इसके पीछे कोर्ट ने यह कहा कि अगर टेस्टिस को दबाना, मींजना और साथ ही साथ शरीर में अन्य कोई दिक्कत भी है, अगर मेडिकल रिपोर्ट में
प्रमाणित होता है कि शरीर में अन्य कोई बीमारी भी थी जिसके कारण आवेग उत्पन्न हुआ। तो अगर इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है तो उस दशा में 299 लागू नहीं होगी, केवल हर्ट या ग्रेवियस हर्ट जैसी स्थिति हो वो लागू होगा। ठीक है, दोनों केस को आप रेफर कर सकते हैं, दोनों में आप चीजें क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अगर जो कृत्य किया गया है उस कृत्य का परिणाम शरीर में ही नर्वस सिस्टम पे पड़ रहा है और नर्वस सिस्टम से वो वेग आवेग वेदना इतनी ज्यादा हो जा रही है जो मृत्यु तक पहुंच जा रही है, तो यहां 299 लागू होगी। जो कार्य किया जा रहा है, इसमें जो अभी आपसे बात हो रही थी कृत्य की, कार्य की, तो जो कार्य है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, आप कितना भी आशय रखे हो, कितना भी आपको इंटेंशन है कि हाँ हम मृत्यु कारित कर दें, आप लोग 50-60 लोग जुड़े हुए हैं, आप में से किसी का इंटेंशन है कि हाँ आप मेरी मृत्यु कारित कर दो, तो सिर्फ इंटेंशन रखने से चीजें नहीं होती है, इंटेंशन के साथ आपको वो काम करना होगा और कार्य की प्रवृत्ति जो होगी उसका नेचर जो होगा वो डिसाइड करेगा, काम का नेचर डिसाइड करेगा कि ये सिंपल हर्ट होगा, ग्रेवियस हर्ट होगा, 299 होगी या 300 होगा। कार्य का नेचर इसको जस्टिफाई करता है। अब जो दिक्कत हमारे सामने सबसे बड़ी आती है वो आती है कि ये 299 में आएगा कि 300 में आएगा, हमें यही साफ करना होता है। इसको साफ करने के लिए, इसको क्लियरिफाई करने के लिए मैंने एक आपको 3 लिटमस टेस्ट आपको दे दिए, जो मैंने बताया आपको कि आशय, ज्ञान और इंटेंशन, ये तीनों है, तीनों में से तीनों है तो नो डाउट वो 299 है, तीनों में से कोई एक है ठीक, और अगर वो चैप्टर 4 में नहीं है तो भी ये 299 है। लेकिन काम की प्रवृत्ति ऐसी है कि वो देखने से ही स्पष्ट हो जा रही है कि ये जो काम है, ये जो एक्ट है वो 300 में जा रहा है, यानी सीधे सीधे कनेक्शन जो है हमारे काम का वो सीधे सीधे किसी की मृत्यु कारित करने का है, तो वो सीधे फिर 300 में जाएगा। लेकिन काम को देखने के बाद, रिजल्ट को पकड़ने के बाद, अगर लगता है दोनों में कुछ कंफ्यूजन है, चीजें एकदम साफ नहीं है, क्रिस्टल क्लियर नहीं है, तो फिर 299 जो है वो कंसीडर करेगा। आर वर्सेस गोविंदा, खूब आपको अच्छे से याद होगा, पीटी में खूब सारे ये केस पूछा जाता है, आर वर्सेस गोविंदा। आर वर्सेस गोविंदा का जो फैक्ट था वो ये था कि एक व्यक्ति अपनी 15 साल की पत्नी को पहले धक्का देता है, पुश करता है पीछे से, धक्का देने के बाद फिर उसकी पीठ पर सवार हो जाता है और मुक्कों से उस पर प्रहार करता है, 4-5 मुक्के से प्रहार करता है और एक मुक्का उसका उसकी बाईं आंख पर लगता है, जिससे कि आंतरिक रक्त स्राव मस्तिष्क में होता है और उस व्यक्ति की, उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। सवाल यह है कि ये 299 है या 300 है। ठीक है, तो साफ सी बात है कि आपने एक 15 वर्षीय महिला को पहले धक्का दिया, फिर उसके सीने पे सवार हो गए, फिर मुक्कों से प्रहार किया और जो हमारे वाइटल पार्ट हैं उन वाइटल पार्ट पर अगर आपने प्रहार किया और उसमें अगर तीव्र क्षति हो जाती है, वेदना होती है, रक्त श्राव होता है, तो साफ तौर पे ये माना जाएगा कि आपका आशय बिल्कुल स्पष्ट था, आपका इरादा साफ था कि ये जो काम कर रहे हैं, इस काम का परिणाम जो हम चाहते हैं वो मृत्यु के सिवा कुछ और नहीं चाहते हैं। तो आर वर्सेस गोविंदा में
इस केस का डिसीजन जो है वो 300 में इसे लाइबल ठहराया गया था। देखिए इस सेक्शन में सॉरी सी हाँ 299 का लाइबल दिया गया था। ठीक है, देखिए इस सेक्शन में जो वर्ड हमें निकल के आता है वो बार बार ये निकल के आता है संभाव्य। ठीक है, हिंदी में संभाव्य और इंग्लिश में जो वर्ड निकल के आता है लाइकली, संभाव की इंग्लिश में जो वर्ड है वो लाइकली है। अब लाइकली से ही मिलते जुलते दो और शब्द हैं, एक है पॉसिबल और दूसरा है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये दो शब्द जो हैं वो लाइकली से ही मिलते जुलते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनमें अंतर है। अंतर जो है वो ये है कि लाइकली जो है वो ज्यादा सिमिलर होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो है उसकी संभावना होती है, पॉसिबिलिटी जो है वो सबसे कम परसेंटेज के साथ सबसे पीछे होता है। ठीक है, तो लाइकली सबसे ऊपर, प्रोबेबिलिटी उसके नीचे, और जो पॉसिबिलिटी है प्रोबेबिलिटी है वो सबसे नीचे। ठीक, तो कहने का सिर्फ ये मतलब है, यहां इस वर्ड को इस बताने का आपको ये मतलब है कि जो हमारा काम है वो लाइकली है, संभाव्य है, लगभग लगभग सिमिलर है। ठीक है, तो यही लगभग लगभग सिमिलर होने के कारण हम 299 और 300 में कभी कभी कंफ्यूजन कर देते हैं, जो हमारी प्रॉब्लम का एक बड़ा हिस्सा होता है। अब एक सवाल आता है कि अगर कोई मृत्यु है वो बिना आशय और बिना ज्ञान के की गई हो, ठीक है, अगर ए ने बी की मृत्यु बिना आशय और बिना ज्ञान के कर दी हो तो ये क्या होगा। देखिए आशय और ज्ञान ये दोनों इतना इंपॉर्टेंस रखता है कि अगर ये दोनों चीजें अनुपस्थित हैं तो वो किसी और जगह फॉल हो जाएगा, जैसे मिस्टेक में फॉल हो जाएगा। ठीक है, किसी फैक्ट की जो वो है इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट है उसमें हो जाएगा, सॉरी तथ्य की भूल मिस्टेक ऑफ फैक्ट में कंसीडर हो जाएगा, या नेसेसिटी में चला जाएगा, प्राइवेट डिफेंस में चला जाएगा। दो बातें, अगर हमारा इंटेंशन नहीं था पहली चीज, और दूसरी चीज हम जो कर रहे हैं उस काम को करने का ज्ञान नहीं है। ठीक, तो दोनों कंडीशन में अगर आशय भी नहीं है ज्ञान भी नहीं है तो किया गया कार्य जो होगा वो केवल और केवल उपहति या घोर उपहति होगी। ठीक है, फिर वो ना 299 में आएगा ना 300 में आएगा। वही बात चतुर सिंह के केस को फिर से लेते हैं, मुक्का मारने का इरादा था, दो आदमी आपस में झगड़ा कर रहे थे अंधेरे में, मुक्का मारने का इरादा था। वयस्क आदमी को मुक्का मारने से कोई ऐसी क्षति नहीं हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ या तो उपहति होगी या घोर उपहति होगी। अंधेरे में महिला जो है वो एक नवजात शिशु को अपने कंधे पे रख के ले आ रही है और मुक्का जो है नवजात शिशु को लग गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। ना 300 होगा ना 299 होगा, क्यों? क्योंकि यहां ना आशय है उस बच्चे की मृत्यु कारित करने का और ना ही ज्ञान है कि इससे इस बच्चे की मृत्यु हो जाएगी, और दोनों की अनुपस्थिति में या तो उपहति होगा या घोर उपहति होगा। ठीक है, अब इसका स्पष्टीकरण नंबर 1 जो है हम उसकी बात कर लें। इसका स्पष्टीकरण नंबर 1 ये कहता है कि अगर हम कोई ऐसा कार्य कर देते हैं
जिसके जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु एक्सेलरेट हो जाती है, त्वरित हो जाती है, तो ये कार्य जो होगा वो भी आपराधिक मानव वध की कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, इस तरह के कई ऐसी चीजें हैं, जैसे लोगों का लीवर जो है वो बढ़ जाता है, स्प्लीहा, ठीक है, जिसको तिल्ली कहते हैं, वो बढ़ जाता है, या कोई और भी तरीके का कोई ऐसी बीमारी है, कोई परेशानी है, और उसमें अगर अनजाने में हमें उस चीज की जानकारी अगर नहीं है, ये बात ध्यान रखने की है कि अगर जानकारी हमें नहीं है और तब हमसे ये चीज हो गई, हमने चोट कर दी, मार दिया, उसकी मृत्यु को त्वरित कर दिया, एक्सेलरेट कर दिया, तो 299 हमें कंसीडर होगा। और अगर हम जान के ऐसा कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति का जिगर, लीवर वगैरह वगैरह कोई ऐसी चीज जो है वो ऐसी कंडीशन में, और जानबूझकर अगर उस पर प्रहार कर रहे हैं जिससे उसकी मृत्यु त्वरित हो जाए, एक्सेलरेट हो जाए, तो फिर ये 300 के अंदर कंसीडर हो जाएगा। ठीक, बस ये चीज याद रखिएगा, रिमोटनेस नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आज हमने मारा और 6 महीने के बाद उसकी मृत्यु हुई, रिमोटनेस नहीं होनी चाहिए। अगर रिमोटनेस है तो फिर लाइबिलिटी नहीं होगी। स्पष्टीकरण 2 जो है वो बताता है कि अगर हमने कोई काम किया है, जी स्प्लाइन, अगर हमने कोई काम किया है, ठीक है, और काम करने के बाद हम ये कहें कि अगर इसका ठीक से उपचार किया गया होता, ठीक प्रॉपर इलाज किया गया होता, तो इस व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, लिहाजा हम ना 299 ना 300 में हम कंसीडर नहीं होंगे, तो इस चीज का हम प्ली नहीं ले सकते। हर मामले में ये माना जाएगा कि इसको उचित इलाज नहीं मिलेगा, हर मामले में ये माना जाएगा। मिल गया वो उसकी किस्मत की, वो बच गया। देखिए ऐसा इसलिए है कि हो सकता है किसी को इलाज मिल जाए और वो बच जाए, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि भाई 299 उसको नहीं हो रहा है, और किसी को हो सकता है इलाज नहीं मिला, ठीक है, और उसकी मृत्यु हो गई। तो जब ऐसी स्थिति होगी तो कंट्राडिक्शन हो जाएगा। उस कंट्राडिक्शन को हटाने के लिए सीधे सीधे रूल बना दिया गया है, ये उपधारणा की जाएगी कि जो आपने चोटे कारित की हैं, जो आपने कृत्य किया है, उस कृत्य के लिए कोई उपचार नहीं है। आप जो कर रहे हैं उसके लिए आप दायी होंगे, आप लाइबल होंगे अपने आचरण के लिए। ठीक है, इसकी यही वजह है, ये जो एक्सप्लेनेशन 2 है, स्पष्टीकरण 2 जो है वो अपने आप में यही कहता है कि आपने जो कुछ किया है, आपने चाहे मारा है, लाठी चाकू जो भी कुछ किया है, उसके लिए जो परिणाम होंगे, इलाज मिलता है या नहीं मिलता इससे मतलब नहीं है। आप यही मान के चलिए कि उसको इलाज नहीं मिलेगा, इस दुनिया में आपने छुरा किसी को भोग दिया है तो अब उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपका आचरण है, इसका परिणाम जो होगा वो होगा। अब उसको इलाज मिल जाता है, डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है, ये उसकी किस्मत है अगर वो बच जा रहा है। लेकिन आप जो हैं वो ये मान के चलिए कि किसी के पास इसका कोई इलाज नहीं है, हम अपने आचरण के लिए जो हमने कृत्य किया है उस कृत्य के लिए हम पूरी तरह से लाइबल होंगे, हम उसके लिए जिम्मेदार होंगे। एक आर वर्सेस हॉलैंड का केस है, आर वर्सेस हॉलैंड के केस में जो है वो उसमें कुछ ऐसे फैक्ट थे कि ए ने बी को कुछ चोटें पहुंचाई, ठीक है, और उस चोटों के कारण बी को टिटनेस हो गया। टिटनेस समझते हैं ना, जो शरीर जिसमें अकड़ जाता है, हिंदी में धनुष टंगार ऐसे कुछ वर्ड है, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है। तो ए ने बी को जो चोटें पहुंचाई, उन चोटों के कारण बी को टिटनेस हो गया। अब वो टिटनेस के कारण, उसकी टिटनेस की जो वजह थी वो उसका शरीर जो है वो अकड़ता जा रहा था, और टिटनेस का कोई इलाज नहीं है, याद रखिएगा। इसीलिए जब भी कभी आपको चोटें लगें तो पहले 24 घंटे में टिटनेस का इंजेक्शन जरूर लगवाएं, ठीक है, क्योंकि टिटनेस का कोई इलाज नहीं है।
एक ही मात्र इलाज होता है, जिस भाग में चोट लगी उस भाग को काट के निकालना, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, जो भी नाम है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब डॉक्टर के पास उसे ले जाया गया, डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया, मना कर दिया, ठीक है, आर वर्सेस हॉलैंड के केस के बारे में बात कर रहे हैं। डॉक्टर ने उसका इलाज करने से, ऑपरेशन करने से मना कर दिया, कहा कि हम भाई इसका ऑपरेशन नहीं करेंगे। ऑपरेशन ना हो पाने के कारण बी की मृत्यु हो गई। यहाँ ए जो है वो ये माना जाएगा कि उसने धारा 300 में मृत्यु कारित कर दी है। क्यों? क्योंकि बड़ा क्लोज कनेक्शन है, 24 घंटे के अंदर वो टिटनेस हो जाना और उसका कारण वही बना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये दूरवर्ती रिमोटनेस और क्लोजनेस, इसका थोड़ा सा समझना, ये कॉमन प्रूडेंस का आपका दिमाग लगेगा। अगर आप ये दिमाग लगा ले जाएंगे तो चीजें एग्जैक्ट परफेक्ट आएंगी। स्पष्टीकरण तीन, ठीक है, स्पष्टीकरण तीन जो है वो ये साफ कहता है, यही बात अभी जो हमने कही, कि कोई व्यक्ति जो है वो अगर माँ के गर्भ में है, ठीक, तो माँ के गर्भ में है तो वो माँ का हिस्सा है। माँ के गर्भ में अगर एज अ वोम भ्रूण के रूप में अगर उसकी उसको क्षति पहुंचाई जा रही है तो उसके लिए 312 का सेक्शन आपके पास उपस्थित है। अगर उसने मानव का रूप ले लिया, उसके शरीर का कोई हिस्सा माँ के गर्भ से बाहर आ गया, कोई हिस्सा आना, इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में यही अंतर है, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश लॉ में पूरा जन्म होना जरूरी है, लेकिन इंडियन लॉ में शरीर का कोई भी हिस्सा सिर्फ बाहर आ गया तो ये मान लिया जाएगा कि उसकी आइडेंटिटी फ्री हो गई, वो अलग आइडेंटिटी हो गई। और अलग आइडेंटिटी होने के बाद अब अगर उसकी हत्या की जा रही है, ठीक है, तो वो मानव वध होगा। अब मानव वध किस परिस्थिति में हो रहा है तो फिर वो उस परिस्थिति को देखा जाएगा, ठीक है। और अगर भ्रूण के रूप में उसे मारा जा रहा है, उसे समाप्त किया जा रहा है, तो फिर आपके पास 312 है। और अगर हाँ वही बात है कि हाँ इंग्लिश विधि में जो जब तक पूरी तरह से पैदा ना हो जाए, शिशु ना हो जाए, तब तक उसको अलग आइडेंटिटी नहीं दी जाएगी। केस लॉज जो हैं इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन केस लॉज आपको तब हम बताएंगे जब हम 300 भी आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। उसकी वजह जो है वो ये है कि 299 अकेला एक पार्ट है, इसको जब तक 300 के साथ, सेक्शन 300 के साथ इसको और इसको दोनों पढ़ के दोनों को कंपेयर नहीं कर लेंगे कि क्या क्या डिफरेंस है, तब तक इन दोनों के अंतर को पकड़ पाना मुश्किल है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो अभी जुड़े हैं उनको ये लग रहा हो कि हाँ मतलब थोड़ा कंफ्यूजन है 299 के साथ, तो उसकी वजह यही है कि जब तक 300 को पढ़ के इसके साथ कंपेयर नहीं कर लेंगे तब तक चीजें जो हैं वो हमारे पास साफ निकल के नहीं आएगी कि कहाँ कहाँ क्या क्या अंतर है। देखिए, आपको एक सेब दे दिया जाए, एप्पल, और कहा जाए ये बताइए ये कैसा है टेस्ट में, कैसा है ये, तो आपको सिर्फ अभी एप्पल ही देखा है तो आप कहेंगे हाँ बड़ा बढ़िया है, अच्छा है, ये है, वो है, वगैरह वगैरह। लेकिन अब उससे दूसरी हाई क्वालिटी का अगर एप्पल को दे दिया जाए तब आपको इस दोनों के अंतर को समझने में तब आपको सुविधा होगी। तो अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप सवाल पूछ सकते हैं, वरना 300 के खत्म होने का आप इंतजार करें। ठीक, आज संख्या जो है वो थोड़ी सी कम है कल की अपेक्षा। एक विशेष चीज आपसे कहना चाहता हूं कि जब भी कभी आप खाली रहें, अरे बंगाली बाबा को भैया हटाओ, बंगाली बाबा अगर आप इतने सक्षम होते तो यहां अपना प्रचार नहीं कर रहे होते। चलिए खैर, जब भी कभी आप खाली हो, आपको वो अगर लगे कि आपको मनोरंजन करना है, तो YouTube पे एक शम्स ताहिर खान है, क्रिमिनल रिपोर्टर, वो क्राइम तक जो है उसमें स्टोरीज बताते हैं, सुनाते हैं, और वो स्टोरी मैं अक्सर सुनता हूँ जब खाली रहता हूँ, और उनको क्रॉस चेक भी करता हूँ गूगल के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, जगह जगह से।
तो हो सके तो जब आप कभी फ्री रहें, 20 मिनट 25 मिनट की एक स्टोरी होती है, आप उसको सुने। तो एज अ लॉ स्टूडेंट आपको जो पुराने क्रिमिनल केसेस हैं उनके बारे में बहुत अच्छी जानकारी होगी, और अधिकांश चीज़ें जो वहाँ बताई जाती हैं वो कहीं ना कहीं लीगल फैक्ट, लीगल आस्पेक्ट के साथ होते हैं। तो जब कभी आप उबे हैं पढ़ाई से, तो क्राइम तक पे वो स्टोरी जो है वो आप सुने। और बहुत सारी, आप जैसे आपके यहाँ महबूब शाह वर्सेस महबूब शाह का केस है, उसकी वो हैं, और सीना वोरा मर्डर केस, और पुराने एंशियंट जो काफ़ी सारे केसेस हैं, बहुत सारे हैं, तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया होगा, पहली चीज। दूसरी एक और चीज, आपको शायद याद हो, हमारे आदरणीय APJ अब्दुल कलाम साहब, उनको हार्ट अटैक हुआ था, इंस्टेंट हार्ट अटैक, कार्डियर अरेस्ट, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी विद इन मिनट्स। आपके साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि एक प्रोसेस होता है, जब कभी आप फ्री हो तो गूगल पर, यूट्यूब पे उसकी बहुत सारी वीडियोस हैं, ठीक है, उन वीडियो को आप देखें कि कैसे हार्ट को पुशअप किया जाता है, ब्रीथ दिया जाता है, उसकी वीडियो ज़रूर देखें। और अपने साथ, अपने परिवार, अपने दोस्तों को जब भी हो तो ये बात ज़रूर शेयर करें, उससे ज़रूर बताएं। क्या पता मेरे ये 2 मिनट बोल देने से कभी कहीं किसी को कोई लाभ मिल जाए, किसी की टूटी थी सांस। क्योंकि अगर उस समय APJ अब्दुल कलाम साहब को जब कार्डियल अरेस्ट हुआ था, तो उस समय उनके साथ अगर ये थेरेपी दी गई होती तो आज शायद हम सबके बीच होते। तो इसको ज़रूर आप करें, और जब भी हो अपने परिवार में सबको बता रखें, पता नहीं कब ईश्वर न करे कहाँ कैसी आवश्यकता पड़ जाए। तो ये प्रोसेस जो है वो यूट्यूब पे देखें, सबको बोलें, सजेस्ट करें, देखें भी, दिखाएं भी, शेयर भी करें। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। यस, आई एम वेटिंग, अगर आपके पास कोई सवाल हो। और आप अपने सवाल टाइप करते रहे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और साफ सी बात ये भी है कि आपकी परीक्षाएं जो हैं वो स्लैब स्टार्ट हो चुका है, उत्तराखंड का APO का आपका आ चुका है, राजस्थान में वैकेंसी आ चुकी है। बस ये मान के चलिए कि 2 महीने का लगभग आपके पास समय है। UP की जुडिशरी की वैकेंसी संख्या लगभग 300 के आसपास, APO की भी संख्या जो है वो ठीक ठाक है, 200 के आसपास जल्दी आपके सामने आने वाली है, ठीक है। तो कमर कसें, तैयारी रखें। आर वर्सेस हॉलैंड कन्वेंशन कौन से सेक्शन में है? ये 299 का ही पार्ट है, ठीक है। ये आर वर्सेस हॉलैंड का केस जो मैंने बताया है, ये 299 का ही है। इसमें सीधे सीधे ये बताया गया कि हाँ, जो कृत्य किया गया है, ठीक है, उसमें मानव वध जो है, जो कृत्य है वो और मृत्यु दोनों में नियर बाई रिलेशन है, ठीक है। तो 299 जो है वो यहाँ लागू होगा। सर अब ये जो ग्रेवियस हर्ट की बात है, तो ग्रेवियस हर्ट यहाँ पे मेडिकल जो हमारी रिपोर्ट होगी वो हमें सपोर्ट करेगी। अगर डायरेक्टली कनेक्शन डॉक्टर रिफर कर रहा है, PM होता है, PM में अगर ये डायरेक्टली रिलेट हो जा रहा है कि जो डेथ कॉज हुई है वो इस वजह से हुई है, और जो हर्ट हुआ है वो उनमें अगर कनेक्शन है, तो 15-20 दिन जो है वो कोई दिक्कत नहीं है, वो कंसीडर किया जाएगा। यस, और कोई?
तो उम्मीद करता हूँ अगली कक्षा जो होगी, अगली क्लास आपके साथ जो होगी वो सेक्शन 300 के साथ होगी। और 300 में चाहूँगा कि आपको फ्राइडे और सैटरडे दोनों दिन कंटिन्यू पढ़ाऊँ, क्योंकि बड़ा और इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, और उसी के साथ साथ सेक्शन 299 के साथ उसे कोरिलेट करना है, उसमें डिस्टिंग्विश करना है। देखिए एक्सप्लेनेशन थर्ड जो है वो साफ तौर से ये कहता है कि अगर कोई शिशु है, वो शिशु अगर माँ के गर्भ से उसका हाथ या उसका पांव भी बाहर आ गया है तो वो एक स्वतंत्र मानव होगा, और भले उसने अभी सांस ना ली हो, अगर कोई व्यक्ति उसकी हत्या करता है, ठीक है, तो वो भी मानव वध कहलाएगा। और अगर अभी वो माँ के गर्भ से बिल्कुल बाहर नहीं आया है और तब उसे मारा जाने का प्रयास किया जा रहा है, तब वो भ्रूण हत्या की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन 3 जो है वो यही कहता है कि हाथ या पार या कुछ भी बाहर आ गया है तो उसकी आइडेंटिटी स्वतंत्र हो गई। ओके, तो थैंक यू, और अगले फ्राइडे को आपके साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।